तो आप सब कुछ और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है रिम्स में पैकेज सिस्टम के तहत मरीजों का होगा इलाज, पेइंग वार्ड का भी होगा इस्तेमाल। चलिए देख लेते हैं क्या खबर है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। निजी अस्पताल की तरह रिम्स में भी पैकेज सिस्टम के तहत मरीजों का इलाज होगा। क्रिटिकल, सामान्य और सर्जरी के कराने के लिए अलग अलग पैकेज बनाए जाएंगे जिसके तहत मरीजों का इलाज होगा। निजी अस्पताल की तरह सुविधा देने के लिए पेइंग वार्ड का भी यहाँ पर उपयोग किया जाएगा जिसमें सारी सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। इलाज का पैकेज न्यूनतम और आयुष्मान भारत के पैकेज की तरह ही होगा। डॉक्टर इस व्यवस्था में रुचि लें, इसके लिए उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रोत्साहन राशि का कुछ अंश निर्धारित यहाँ पर किया गया है। पेइंग वार्ड के कमरों का नहीं हो पा रहा उपयोग। रिम्स के पेइंग वार्ड में करीब 100 कमरे हैं, लेकिन सिर्फ प्रथम तल्ले के कुछ कमरों का ही उपयोग हो रहा है। कुछ कमरों में अभी भी वीआईपी कैदी ही भर्ती होकर इलाज कराते हैं और शेष कमरों का उपयोग नहीं हो पाता है। इससे रिम्स को आमदनी नहीं हो पाती है और उसके रख रखाव में अनावश्यक रूप से पैसे खर्च होते हैं। गौरतलब है कि करीब 4 साल पहले रिम्स वार्ड का निर्माण किया गया था। इसकी परिकल्पना निजी अस्पताल की तरह सुविधा देने की थी। एक कमरा का किराया प्रतिदिन 1000 रुपए निर्धारित किया गया है। हालांकि परिजन के रहने के अलावा टीवी व फ्रिज की व्यवस्था भी कराया गया है। निजी पर रोक लगाने का प्रयास। डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के उद्देश्य से रिम द्वारा प्रोत्साहन राशि देने की भी यहां पर पहल की जा रही है। प्रबंधन की सोच है कि प्रोत्साहन राशि देने से डॉक्टर रिम्स में ज्यादा समय देंगे और जो डॉक्टर पैसे के लिए निजी जगह पर जाकर काम करते हैं उनको रिम्स में ही अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। रिम्स के पेइंग वार्ड का उपयोग करने के लिए पैकेज सिस्टम में इलाज किया जाएगा। शीघ्र ही पैकेज सिस्टम का निर्धारण कर लिया जाएगा। आयुष्मान भारत आय योजना के फंड से डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान होगा। और यहाँ पर ये बात कही है रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता ने। बाकी देख लेते हैं कि कब तक ये गुड न्यूज यहाँ पर हमें सामने देखने को मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। और अभी तक इसको लेकर काफी चर्चाएं और बातें चल रही है, इसका मतलब ये चीजें हमें अपनी आंखों के सामने जल्दी देखने को मिल जाएंगी। जोहार।